अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम फर्स्ट क्लास रापचिक होंगे और मैं भी हमेशा की तरह एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खिदमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं इसरो कॉलोनी भोपाल के पास, एक जगह है वहाँ पर खाना खाने आए हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमेशा की तरह मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। तो आज कुछ वेज ट्राई करते हैं, सानू भाई ने बहुत तारीफ़ की है तो हम छोले कुलचे ट्राई करते हैं, जैसा कि ये भाई बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा सानू भाई का कहना है। अब हम चेक करते हैं। और जैसा कि दोस्तों, कनी भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, आप सारे लोगों ने कमेंट के अंदर उनके लिए दुआएं दी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कुलचे बोलते हैं, चने कुलचे, छोले कुलचे। वैसे ये आइटम है कहाँ की, दिल्ली की, यहाँ की है, दिल्ली की है। बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं करना, मीडियम ही रखना एकदम। तो ये पाव है या रोटी है, ये कुलचा है, कुलचा कुलचा है। पहली बार ट्राई करके देखते हो भाई, पहली बार ट्राई कर रहे हो। हाँ, खाने में तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। ये भाई तो बहुत बार खा चुके हैं मेरे साथ वाले, मैं पहली बार ट्राई करूँ। ये तो तकरीबन 6-7 मरतबा खाए। बड्डे लोग बड्डी बात भाई, हम तो पहली बार खा रहे हैं भाई, वो भी घनी भाई अच्छे हो गए। मुझे बहुत मज़ा आई इसके लिए तो लेके आया स्पेशल, वो भी गनी चाचा अच्छे हो गए ना, तबीयत मस्त हो गई, इसके लिए लेके आया। तो दोस्तों, मसाले की खुशबू तो बहुत जोरदार आ रही है, तो उम्मीद है कि खाने का टेस्ट वो भी बहुत बेहतरीन ही होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो कि स्ट्रीट फूड वाले जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो इनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। एक बार ज़रूर आओ, टेस्ट करके देखो। जैसा कि सानू भाई बार बार यहाँ पर आए, खा के गए और बहुत तारीफ़ की, तो आप भी एक बार आके ट्राई ज़रूर करें। नहीं भाई, कैसी रहे मेरे भी, क्या करना है, कुलचा खाना है, कुलचा खाना है। तुम्हारे अच्छे होने की खुशी में कुलचा खाने आए अपना। तो नाजरीन, ये बन के तैयार हो गया है, हमारे गनी भाई ने ट्राई कर भी लिया है। गिरी भाई, स्वाद कैसा लग रहा है? अच्छा, स्वाद अच्छा। और जैसा कि देख रहे हो, ये छाछ आ गया है, ये छोले कुलचे हैं और ये अचार है, टमाटर है, प्याज है, नींबू है। और सानू भाई भी चल पड़े हैं खाने की ओर। इसका जो अचार होता है ना, अचार मिर्ची का अचार, इसका स्पेशल अलग से बनता है। इसका जो मसाला छाटते हैं ना मेन, तो इसके मसाले की मतलब कि मैं 4-5 मसाला खा चुका, एक नंबर लाजवाब। आप गनी भाई पहली बार खा रहे हो, पहले खा चुके हो? पहली बार। स्वाद कैसा लगा? मेरी प्लेट तो यहाँ लाओ, चोरी करने की आदत नहीं आएगी तुम्हारी। तो दोस्तों, इन लोगों ने तो खा लिया है और मैं भी ट्राई करता हूँ, हालांकि बहुत गर्म है और भूख लगी है जोरों की। टाइम क्या हो गया भाई? 4 बज रहे हैं। ये देखो कलर, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। और मैं खा के बताता हूँ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। वाह भैया,
अच्छा स्वाद है। टमाटर बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा अगर नींबू की मार मार दी जाए तो शायद इसका मज़ा और बढ़ जाएगा। तो ये देखो ये कुलचे हैं, देखने में तो ये पाँव जैसे लग रहे हैं पर वो कह रहा है कुलचे हैं, तो ठीक है वो कह रहा है कुलचे तो अपने मान लेते हैं। और नींबू के साथ एक बार ट्राई करके देख रहे हो, वाह भैया अच्छा स्वाद है, एक बार ट्राई करने से। ये कौन सी जगह भाई है? आमली भोपाल रोड, आमली भोपाल रोड अहमदाबाद, यहाँ पर है ये बालाजी छोले कुलचे चाट भंडार। पनीर छोले कुलचे बनाता है, चीज़ कुलचे बनाता है, अमूल बटर कुलचे, पंजाबी छोले कुलचे। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो एक्स्ट्रा पाँव वाँव मंगाए कुलचे मंगा के, और गनी भाई की पार्टी, गनी भाई के अच्छा होने की खुशी में पार्टी कुलचे की। और अब खाना खा लिया तो सीधी सी बात है चाय पियेंगे, तो चलो चाय पीते हैं। हाँ भैया, क्या नाम आपका? रमेश नाम है। क्या नाम? रमेश। रमेश भाई तो क्या क्या बनाते हो रमेश भाई? आप ये छोले कुलचे बनाते हैं, पनीर कुलचे बनाते हैं, मसाला कुलचे बनाते हैं। अच्छा, सब बनाते हैं। किस किस तरह की वैरायटी होती है आपके पास? और कुछ नई वैरायटी? पांच छह वैरायटी है हमारे पास, पांच छह वैरायटी। इसमें से कुछ खास? ये दो कितना का है सर? पनीर कुलचा, मसाला कुलचा है। ये पनीर कुलचा। तो और कौन सा एरिया में? ये सर ये विक्रम नगर, विक्रम नगर इसरो कॉलोनी। ओके, दूतारम का कुआ फिक्स। थैंक यू भैया। ठीक है भैया। तो दोस्तों ये है रजवाड़ी चाय, खाने के बाद चाय 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 चाय। ये गनी भाई, गनी भाई मेरे व्यूअर ऐसा पूछ रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी तबीयत है? क्या हो गया तुम्हारे को? मैंने सुना डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हाँ। तो सामान्य डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया था, ये बीमार थे, डॉक्टर ने जवाब दिया था कि तुम दो तीन दिन में अच्छे हो जाओगे, डॉक्टर ने ऐसा जवाब इनको दे दिया था और दो तीन दिन में अच्छे भी हो गए। अब देखो चाय की चुस्की मारते हुए, और गनी भाई की आदत है हमेशा कि खाते हुए या पीते हुए कभी किसी की तरफ देखने का ही नहीं, इसके जो करना है वो करे। तो नाजरीन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना ताकि ये मालूमात औरों तक भी पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।